भारत की राजधानी दिल्ली से 2200 किलोमीटर दूर है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का शहर दुबई। दुबई का नाम लेते ही आपके मन में कैसी तस्वीर उभर रही होगी? जाहिर है शानदार और ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और आलीशान गाड़ियों वाले शहर की वो तस्वीर आपके जहन में आ रही होगी, जहां सब कुछ एक प्लान्ड सिटी जैसा है। दुबई एक साफ सुथरा सुंदर शहर है, लेकिन अब आपको हम दुबई की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप इसके बाद दुबई की इन शानदार तस्वीरों की असलियत को भी जान लीजिए। यह है मशहूर और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। बिल्डिंग पर बिजली गिर रही है। बुर्ज खलीफा के सबसे ऊपर लगे पोल से बिजली टकराती है और बिजली गिरने से बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दरअसल दुबई में 17 नवंबर को भयंकर बारिश शुरू हुई थी। बारिश से सबसे पहले वहां तूफान भी आया और बारिश के बाद दुबई की तस्वीर बदरंग हो गई थी। बुर्ज खलीफा के पास की तस्वीर आपको बताते हैं कि यहां सड़कों पर पानी भरा हुआ है। शाम का समय है और सड़क पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश के कारण सड़कों पर गाड़ियां बंद हो गई हैं। बारिश के कारण दुबई शहर का ये हाल हुआ है। क्या दुबई में सड़कों पर नाव चलने के बारे में कभी आप सोच सकते हैं? यकीनन ना तो ये आपने कभी सोचा होगा, न ही आपको कभी इसकी कल्पना हुई होगी। लेकिन ये तस्वीर देखिए, दुबई की सड़कों पर भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा तो लोग नाव लेकर सड़क पर निकल पड़े। कार से जा रहे एक शख्स ने तो ये वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया। दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर भी जरा आप देखिए। एयरपोर्ट के रनवे पर एक विमान खड़ा हुआ है और भीषण बारिश हो रही है। बारिश इतनी तेज है कि मानो इस रनवे पर खड़ा विमान हवा के तेज झोंके में उड़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का हाल दुबई का नजर आ रहा है बारिश के कारण। दुबई में जिस वक्त बारिश हो रही थी उस वक्त रफ्तार उसकी इतनी तेज थी जिसे देखकर वहां के लोग सहम गए। तेज हवा के झोंकों के साथ बारिश तेजी से होती रही और दुबई भीगती रही। दुबई के बाहरी इलाकों में एक और तस्वीर नजर आई, वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। दुबई में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि जहां तहां सड़कों पर गाड़ियां डूबी नजर आई। कार बस सड़क पर ही खड़ी नजर आई। बस में कुछ लोग भी फंस गए और जो लोग मुश्किल से बाहर निकलने की कोशिश करते नजर आए। अब आपको दुबई के रिहायशी इलाकों की तस्वीर भी दिखाते हैं। भारी बारिश के बाद ये इलाके डूबे हुए हैं। लोगों के आलीशान मकान और घरों के बाहर खड़ी लग्जरी गाड़ियां सब कुछ पानी में डूबी नजर आ रही हैं। सब कुछ डूब गया। दर्जनों की संख्या में गाड़ियां पानी में डूबी नजर आ रही हैं। यकीन मानिए ये दुबई की ही तस्वीर है। ये तस्वीर देखकर बहुत से लोगों को यकीन नहीं होगा कि ये संयुक्त अरब अमीरात का व्यवस्थित शहर है। अब आपको दुबई की दो अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं, भारी बारिश से पहले की और दूसरी बारिश के बाद की। दुबई इतना प्लान्ड शहर है कि वहां सब कुछ व्यवस्थित सा नजर आता है। ऊंची ऊंची इमारतें, आलीशान घर, लेकिन कुदरत ने दुबई को कुछ ही घंटों के अंदर लाचार बना दिया। ये सारी व्यवस्था घुटनों पर नजर आई। बारिश के आगे शहर का सारा सिस्टम फेल हो गया। जगह जगह पानी भर गया। महंगी गाड़ियां और शानदार सड़कें भी पानी में डूब गई। दुबई में कोई मानसून का सीजन नहीं चल रहा है। वहां तो दो ही मौसम होते हैं, पहला गर्मी का और दूसरा सर्दी का। गर्मी का सीजन अप्रैल से अक्टूबर तक होता है और नवंबर से फरवरी तक सर्दी पड़ती है। ज्यादातर बारिश दिसंबर से मार्च के बीच होती है। ऐसे में दुबई में बारिश का समय भी नहीं था, फिर वहां जोरदार बारिश आखिर क्यों और कैसे हो गई? ये सवाल हर किसी के मन में है। संयुक्त अरब अमीरात में पिछले दिनों कहां कहां बारिश हुई, मैप के जरिए आपको जरा दिखाते हैं। ये मैप आपको बताएगा कि दरअसल किस तरीके से बारिश का कहर कई शहरों पर टूटा। दुबई, अबुधाबी, रस अल खैमा, फुजैरा, शारजा और अजमान, ये वो शहर हैं संयुक्त अरब अमीरात के, यानी खाड़ी का वो देश जो कि कई देश लोगों के लिए वहां पर रोजगार का एक डेस्टिनेशन माना जाता है। वहां पर बारिश के कारण सारी व्यवस्था चरमराती नजर आई। संयुक्त अरब अमीरात में आमतौर पर बारिश का मौसम नहीं था, शायद इसी वजह से लोग बारिश के लिए तैयार भी नहीं थे। अचानक हुई बारिश के बाद दुबई शहर रुक सा गया। कई घंटों की बारिश ने शहर की रफ्तार पर मानो ब्रेक लगा दिया। भारी बारिश के कारण दुबई में उड़ानें रद्द कर दी गईं, स्कूलों में क्लास ऑनलाइन कर दी गई, दफ्तर में वर्क फ्रॉम होम के ऑर्डर्स दे दिए गए। दुबई में कई इलाकों में बारिश का पानी अभी भी भरा हुआ है।
दुबई नगर पालिका के कर्मचारी बारिश का पानी निकालने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। अगले हफ्ते फिर से दुबई में बारिश की आशंका जताई जा रही है और दुबई में अब से करीब दो हफ्ते जलवायु परिवर्तन पर बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसे COP28 कहा जाता है। दुनिया के बड़े बड़े नेता जुटेंगे इस बैठक के अंदर इस बात की चिंता और चिंतन करने के लिए कि आखिर जलवायु परिवर्तन का इलाज क्या किया जाए, कैसे किया जाए। और इस बैठक में दुनिया भर के नेता वहां पर होंगे। पर्यावरण में हो रहे बदलावों पर चिंता की जाएगी, चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले ही दुबई के मौसम ने सबको चिंता में डाल दिया है। रेगिस्तान में बाढ़ बेहिसाब, डूब रहा रेगिस्तान का जहाज, डूब रही महंगी गाड़ियां, आलीशान इमारतें। बुर्ज खलीफा के आसमान में गड़कती बिजली का खौफ। ये तस्वीरें किसी हॉलीवुड की फिल्म की नहीं, ना ही ये तस्वीरें किसी ऐसे शहर की हैं जहां लगातार बाढ़ बारिश आती हो। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरों की बाढ़ आ गई है जहां खूबसूरत दुबई बेहिसाब बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में आती दिख रही है। संयुक्त अरब अमीरात के कई हिस्सों में भारी बारिश और तूफान के बाद दुबई की सड़कों पर पानी लबालब भर गया है, बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। दुबई में अचानक मौसम बदलने और भारी बारिश से वैज्ञानिक भी हैरान हैं। फिलहाल अचानक हो रही बारिश के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। खास बात यह है कि जिस दुबई को खूबसूरत इमारतों रेगिस्तान के लिए जाना जाता है, यहाँ की आलीशान जिंदगी फिलहाल पानी पानी हो रही है। सड़कों का हाल बुरा है, यह मानो जैसे कयामत आने वाली हो। सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार तैर रहा है। गाड़ियों और बाइक पर सवार लोग जैसे तैसे अपनी जान जोखिम में डालकर घर से बाहर निकलने को मजबूर हैं। बेजबान भी अपनी जान की खैर मनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां सोशल मीडिया में वायरल हुए इस वीडियो में सैकड़ों ऊंट पानी में डूबे हुए दिख रहे हैं। रेगिस्तान के जहाज अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आसमान में कड़कती बिजली बादलों के गरजने का आगाज कर रही है। नीचे दूर से देखने में तो सब शांत लग रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश हालात बिगाड़ देने की ओर इशारा कर रही है। साफ है दुबई की खूबसूरती पानी पानी होती दिख रही है। बाढ़ की ऐसी स्थिति होने से स्थानीय निवासियों को समुद्र तटों पर जाने से मना किया गया है। घरों के अंदर रहने की भी सलाह दी जा रही है। बारिश में यातायात और उड़ान संचालन प्रभावित हुई है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक दुबई म्युनिसिपैलिटी ने ड्रेनेज सिस्टम की मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात की मौसम एजेंसी ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बात का भी खास ध्यान रखा जा रहा है कि अभी और बारिश हुई तो क्या किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि अगर और बारिश होती है तो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं या फिर शिफ्ट के अनुसार काम किया जा सकता है। दुबई पुलिस भारी बारिश के बाद पैदा हुए हालातों पर काबू पाने और सड़कों पर ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए भी जद्दोजहद कर रही है। दूसरी ओर यहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के भीतर पानी घुस आया है। खबरों के मुताबिक यहां लोगों के लिए रोजमर्रा के काम के लिए निकलना मुश्किल हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के लिए यक्ष प्रश्न ये भी है कि आखिर दुबई में मौसम कैसे इतना बदल गया। दरअसल दुबई में गर्मियां लंबी होती हैं, साथ ही आंशिक रूप से बादल भी होते हैं। गर्मी का मौसम 14 मई तक चलता है। दुबई में वर्ष का सबसे गर्म महीना अगस्त होता है। दुबई में वर्ष का सबसे ठंडा महीना जनवरी होता है। यहाँ साल के 90% समय सबसे साफ अक्टूबर के महीने में होता है,
दुबई में एक साल में 40% सर्वाधिक बादलों से ढका महीना जुलाई होता है। खास बात यह है कि दुबई बारिश बर्फबारी वाले दिनों के मौसम का आदि नहीं है। दुबई में सबसे अधिक बारिश वाला महीना फरवरी का होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जी न्यूज़।